गुरु कोट गुरु कोट मंदिर जा रहा है। अरे हमें इससे क्या करना है, हमें क्या चाहिए, कोट आजा। फैंटास्टिक, मंदिर बहुत शानदार है। गुरु मुझे तो लग रहा है मंदिर की मूर्तियां चुराने वाली यही है। वो चोर हो या कोई भी, हमें क्या चाहिए, कोट आजा। है? ए! इस मंदिर की मूर्ति चुराने में तेरा ही हाथ है ना, हमने तुझे पहचान लिया है। तू मंदिर की मूर्ति चुराने आया, हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब हमें बेवकूफ मत समझना। नो नो, यू आर बीइंग मिस्टेक। मैं यहाँ मूर्ति चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं इस गांव में नई डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हमने नहीं देखे क्या? डॉक्टर की ड्रेस हमेशा सफेद होती है, आँख पे चश्मा लगा होना चाहिए। हाँ, और अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे हाथ में दवाई का सूटकेस होना चाहिए। अब इतना सब हमें पता नहीं है क्या? नो, मैं सच में डॉक्टर हूँ, लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर है तू? कपड़े निकालते है तू लेडीज हो जाएगा क्या, मुझे पता। निकाल मत, तुझे ऐसे ही खड़ा रहना होगा, तुझे पंचायत में जब तक खड़ा नहीं किया वैसे ही खड़ा रहना, निकालना मत। What the hell do you want? गुरु, ये इंग्लिश में हमको माँ की गाली दे रखते हैं। तू रुक ना। देख बेटा, तुझे क्या चाहिए मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस तरफ बजरंग बली की मूर्ति है और उस तरफ सिद्धि विनायक की। तुझे जो भी मूर्ति चाहिए मैं ला के दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, बोलो मंजूर है? क्या चाहिए? आई वॉन्ट यूर दी कोट। आई वॉन्ट यू दी कोट। इसका मतलब तुम्हारा लाल कोट हमारे गुरु को चाहिए। यू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया स्टूपिड। तो गुरु ये हम दोनों को पागल बोल रही है, आज इसे छोड़ना नहीं। छोटू बहुत अच्छा बोला तुमने। बोला मुझे नहीं। बता तुम्हें क्या करना है, कोट देना है कि नहीं? ए वे कुछ नहीं, कोट उधर चल। अरे गुरु कहाँ भाग रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, लाल कोट तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, जल्दी आ जा, कोट दे दे मुझे। कहाँ जा रहा है? अरे रुक, रुकता है कि तुझे। अब तो फंस गया ना, दीवार आ गए ना बीच में। अब सीधे से मान जा, कोट दे दे मुझे जल्दी, पैंट थोड़ी मांग रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा जीजा सबसे बड़ा कंजूस है, लेकिन तू तो उससे ही बड़ा कंजूस निकला रे बाबू। मैं बाबू नहीं हूँ। जाने दे, तू बूढ़ा है ना। एक बार कोट दे दे, पहन कर वापस दे दूंगा। प्लीज बाबू, अभी तक बहुत प्यार से मांग रहा हूँ मैं। कोट उतारने की दूसरी टेक्निक है अपने पास। मैंने कुछ नहीं देखा सच्ची में, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा सच में, प्लीज किसी को बताना नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भागो। मैं जात का गुरु हूँ और मैं जात के बारे में छोड़कर अपने स्टेटस के बारे में बोल रहा हूँ। जात वो है सिर्फ आदमी को मिलाने के लिए, अगर हर जात का अलग मार्ग है तो भी मंजिल एक ही है। फादर, हम सुबह से शाम तक यहीं चर्च के पास रहते हैं, फिर भी खाना नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, मैं रोज गॉड के बारे में बोलता हूँ, तू रोज सुनता है, तो खुद गॉड आकर तो खाना नहीं देंगे। तू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तू रोज यहीं बैठा रहता है, अपना कर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ चर्च में भगवान नहीं है, तू अपने कर्म को भगवान मान, वो अपने आप खाना देंगे। गॉड ब्लेस यू। हमें भी आशीर्वाद दीजिए फादर, कि इन बच्चों को हम हॉस्टल में पढ़ने भेज सकें, मदद कीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। चलो पैर पढ़ो। हाँ हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन ये तूने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे और छठवा बच्चा आने वाला है, मेरी बात मान, ऑपरेशन करवा ले। पर हमारा समाज नहीं मानेगा। समाज जो है वो हमें अच्छे से जीना सिखाता है, ज्यादा बच्चे कमजोर और बीमार हो ये नहीं सिखाता। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, डॉक्टर लुईस के नाम से लेटर लिख देता हूँ। छोटा मटका बड़ा मटका, छोटा मटका बड़ा मटका, सरपंच जी आ रहे हैं, एक मिनट। छोटा मटका बड़ा मटका, नमस्कार। छोटा मटका बड़ा मटका, छोटा मटका, अरे सरपंच जी, बड़ा मटका, छोटा मटका, बड़ा मटका। मैंने आपसे गांव में फसल के बारे में कहा था, तो आपने उसे सॉल्व करवाया और पानी की व्यवस्था की सरपंच जी? हाँ, वो सब करके ही तो मैं पंचायत के इलेक्शन में आज खड़ा हुआ हूँ, बसुराज को बोलकर इंतजाम कर दूंगा। देखिए फादर, आपके चर्च को अलायंस कर दूंगा, आपको सोने का लॉकेट दूंगा, आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, ये चर्च में भाषण देने से बहुत अच्छा होगा। पॉलिटिक्स और मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई संबंध नहीं है सरपंच जी, मैं गांव में फसल और पानी की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो मैं देखूंगा। आप क्यों देखेंगे? तो आप देखेंगे ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, तो फिर मुझे खुद देखना पड़ेगा। गुरु जी, अगर हम दोनों जल्दी से घर नहीं गए तो माता जी हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। फादर मैं चलता हूँ। तेरा प्रॉब्लम क्या है? आपको नमस्कार करना था। करो ये पकड़ो।
गॉड ब्लेस यू फादर। आपसे एक जरूरी बात करनी थी लेकिन बाद में बताऊंगा। फादर गुड मॉर्निंग। फादर गुड मॉर्निंग। आई एम निर्मला फ्रॉम सेंट जोसेफ मेडिकल कॉलेज। वेलकम माय डियर चाइल्ड। मदर सुपीरियर ने लेटर भेजा है। ओह आई सी। फादर क्या मैं इस चर्च में प्रार्थना कर सकती हूँ? देखो बेटी भगवान अभी सबके दुख सुनकर थक गए हैं और अभी आराम कर रहे हैं और अभी जाके उन्हें डिस्टर्ब करोगी तो अच्छा नहीं होगा ना। बेटा तुम नेचर से जाकर प्रार्थना करो, उसमें भी प्रभु हैं। अच्छा ये ठीक है फादर, क्या मैं चर्च में रह सकती हूँ? नहीं बेटी ये लेटर लेके तुम चर्च में नहीं रह सकती। हाँ नन बनकर तुम जरूर चर्च में रह सकती हो। डॉक्टर्स के लिए वसुराज के घर के पास जो घर बना हुआ है उसमें तुम रह सकती हो। जाओ उनसे बात कर लो। मैं शानो शौकत से नहीं जीना चाहती फादर, साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ इस चर्च में, प्लीज फादर। साधारण जिंदगी जीना है तो साधारण इंसानों के साथ रहना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अकेले जिंदगी जीना है तो उसे वनवास की जिंदगी कहते हैं। जाओ बेटी। रुक जाओ। हर साल की तरह इस साल भी पंचायत राज जल्दी आ गया है और इस बार के चुनाव में इनके खिलाफ किसी ने खड़ा होने की हिम्मत नहीं की है और अब यही है पंचायत राज के नेता। अगर ऐसे नेता रहे तो कल्याण हो चुका। मैं इनकी इकलौती बहन का पति और इनके घर का दामाद इनका अभिनंदन करता हूँ। हाँ ए इन्हें माइक दो जल्दी। और मैं कहता हूँ जब तक ये गांव में है गांव का कल्याण होता रहेगा। ये अकेले शुभचिंतक हैं हमारे पूरे गांव के और मैं इनका अकेला शुभचिंतक इनके लिए हार लेके आया हूँ। ए माइक पकड़। इसकी क्या जरूरत थी? ससुर जी ससुर जी, हार खुद डालोगे कि मैं उछल के डालूं? अरे चेहरा ऐसा क्यों बना लिया? ससुर जी ये हार नहीं चाहिए क्या? गुरु बाबा उनको तो नहीं चाहिए, मैं हार तुम्हारे गले में डाल देता हूँ ठीक है? गुरु बाबा तुम्हें खुशी से रहना चाहिए, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। हाँ इसलिए भाइयों मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये है। अरे अरे ससुर जी अन्याय है। अरे रुको ससुर जी ये अन्याय है, अन्याय है ससुर जी। एक मिनट। नमस्कार सर जी। तुम कौन हो बेटी? मैं इस गांव की नई लेडी डॉक्टर हूँ, मुझे 3 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटल में जो सामान है वो गिनती के बराबर है, किसी से कुछ पूछो तो सही जवाब नहीं मिलता। क्या करना है समझ नहीं आ रहा। आप गांव के बड़े आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे कहने आई हूँ सर, अगर आप हॉस्पिटल की ओर थोड़ा ध्यान दे तो। अच्छा बेटी मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, गांव के सभी लोग अनपढ़ हैं इसलिए इन्हें कुछ नहीं पता। सुन रहे जी, डॉक्टर साहब जो कह रही है वो सारा सामान ला करके दो। ठीक है तुम जाओ बेटी। थैंक्स सर जी। क्या हुआ बेटी? आप काफी अच्छे इंसान हैं, इसलिए कह रही हूँ इस गुंडे को काम पर बिल्कुल मत रखिए। तुम ये किसके बारे में कह रही हो बेटी? और कौन, वही जो आपकी गाड़ी चला रहा है। जब मैं गांव में आ रही थी तो उसने बड़ी बेशर्मी से मेरा कोट छीनने की कोशिश की सर। क्या क्या मैडम, मैंने इतनी मन्नतें की, इतनी कस्में खाई, मेरी बात ना मानकर आपने जीजा को सब बता दिया। मुझे पता होता कि तुम लड़की हो तो मैं तुम पे आंख उठा के भी नहीं देखता। हाँ चाहो तो तुम गांव की किसी भी लड़की से पूछ लो, तुमने सॉलिड मिस्टेक की है। मैंने जो भी किया कोर्ट के लिए किया, कोर्ट के अंदर झांक के नहीं किया, करता तो ऐसा नहीं होता। हाँ मुझे नहीं पता वो आपके जीजा जी। हाँ कैसे पहचानोगी, मैं तो बहुत हसीन हूँ ना, मेरे और उनके कोई भी गुण नहीं मिलते, इसलिए तुम्हें पहचानने में मुश्किल हो गई। तुम पैंट शर्ट से खूबसूरत तो साड़ी में लगती हो, क्यों? थैंक यू। थैंक्स। वैसे मेरा नाम बलराम है। निर्मला। निर्मला हाँ अच्छा है अच्छा है। विजया शांति या डिंपल कापाड़िया नाम रखा होता तो अच्छा होता, तुम कैसा रख सकती हो? ये सब छोड़ो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। क्या करने? चोट पर पट्टी बांधने के लिए। मार भी तुमने खिलाई, पट्टी भी तुम ही बांधोगी? मैं नहीं आऊंगा। चलो भी। मैं नहीं आऊंगा।
मैं जा रही हूँ और तुम आओगे। तो आता